आप सब लोग उम्मीद करती थी। हूँ ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे अपनी अपनी लाइफ इन्जॉय करेंगे हम भी शुक्र अलहमदिल्ला ठीक है हमारी की तबीयत भी अब पहले से काफ़ी बेहतर है बट स्टिल थोड़ा सा स्टमक इशू चल रहा है वी डाउट के उनको कोविड का अटैक हुआ था दोबारा बहुत स्वयं किस्म का नहीं था बट आई थिंक ही गॉट सम कोविड अटैक ना डॉक्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग uh, डाउट था इस पर एनी वेज यहाँ पर मेरे घर पे थी वीकेंड पे दावत तो मैंने बनाई थी इसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ें यमी चीज़ें और लिटरली जो भी बना था बहुत ही परफेक्ट बना था बहुत ही मज़े का बना था और सबको बहुत पसंद आया था डिनर मेन्यू जो कि मैंने वीकेंड पे ओवर द वीकेंड दावत पे अरेंज किया था तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ये एक दिन पहले की प्रिपरेशन है जो कि मैंने एक दिन पहले कर ली थी ताकि जब नेक्स्ट डे दावत वाला दिन हो तो क्योंकि आपने टेबल भी सेट करना होता है घर को भी नीट एंड टाइडी करना होता है तो उस दिन मेरा काम जो है थोड़ा कम हो जाए और लोड वर्क लोड कम हो जाए तो जो प्री प्रिपरेशन मैं एक दिन पहले कर सकती हूँ वो मैं एक दिन पहले कर ली थी और नेक्स्ट डे जाहिर सी से बात है जब आप पहले से होमवर्क किया हुआ होता है आपने काम किया होता है तो आपका जो मेन डे होता है मेन इवेंट होता है वो रिलैक्सिंग हो सकता है।, है यहाँ पे मैं सबसे पहले बना रही हूँ कोफ्ते मैंने बीफ के कोफ्ते बनाए थे कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बीफ का कीमा हाफ के जी आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स और उनकी डिटेल क्वांटिटी uh, जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहाँ से ले सकते हैं इसमें मैंने डाला है लहसन अदरक का पेस्ट वन टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर वन टेब टी स्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट डालना है हाफ टी स्पून आपने ज़ीरा पाउडर डालना है वन टेबल स्पून ब्रेड uh, स्लाइस डालने हैं दो इन तम... इसके अलावा इसमें जाएगी एक मीडियम साइज़ की प्याज और हरी मिर्चें uh, तीन से अदद इन तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको और गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डालना है इसको अच्छी तरह पीस लेना है पीसने के बाद आप इसको जब मिक्सचर को खोलेंगे आपका जो कीमा है बिल्कुल स्मूथ और सिल्की होना चाहिए और फिर आप उसको प्रेस कर करके इस तरह से इसकी मीट बॉल्स बना लेंगे आप इनको कीमे की कोफ्तों को बनाकर तकरीबन एक महीने तक के लिए फ्रीजर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं मैंने एक रात पहले बना लिए थे और इनको मैंने बना के फ्रीज़र में स्टोर कर लिया था और ये एक्स्ट्रा बनाए थे मैंने ऑब्वियसली जब आप बना रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें बना लें जो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और लेटर ऑन और मेरे काम आती हैं खैर यहाँ पे ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं मैं इनको फ्रिज में रखूँ फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी और कल सिर्फ इसकी ग्रेवी बना के इसको रेडी करूँगी नेक्स्ट रेसिपी थी मेरी मीठे में मैंने बनाया था गजरेला मैंने बनानी तो दो तीन चीज़ें थी लेकिन बस एक ही पे वो हाँ मैंने फिर जो है तकिया किया थोड़े टाइम की शॉर्टेज थी और कुछ और एक काम आ गया था बीच में इस वजह से जो है ना वो फिर मीठा मैंने एक ही किया था, बनाया था मैंने बनाया था गजरेला जो कि बहुत ही यमी स्क्रमी बना था एक दिन पहले मैंने इसको इसमें मैंने एक जुगाड़ लगाया था वो ये कि मुझे जल्दी थी मुझे रात को ये प्रपेयर करके सोना था तो मैंने ये किया कि कैरट्स को और चावलों को मैंने हाफ के जी कैरट्स ली थी, थी उनको ग्रेट कर लिया था इसका कदूकश कर लें और साथ में ढाई ग्राम जो है आ, मैंने इसमें चावल डाले हैं चावलों को मैंने ऑलरेडी वॉश करके सोख करके थोड़ी देर पहले रख दिया था और मैंने क्या किया जुगाड़ क्या लगाया कि इनको इस दफ़ा मैंने कुकर में मैं जब भी कचरेला बनाती हूँ कैरेट्स को और राइस को मैं पहले जो हूँ कुकर में या आ, देखी में पका लेती हूँ थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं आ, दो तीन विसल होने तक जो है कुकर में मैं इसको पकाऊंगी और लिटरली मेरा इतना टाइम सेव हो गया था पहले मैं ये काम देखती मैं बिल्कुल लो हीट पे दो तीन घंटे लगा के करती थी कि जब तक के कैरट्स बिल्कुल मैश ना हो जाएं और चावल भी बिल्कुल मैश हो के जो है ना सॉफ्ट ना हो जाए तो मैं इस काम को मैंने क्विकली किया इधर यहाँ पर ये देखे बिल्कुल जो है ना चावल फायर जो मेरा काम तीन चार घंटे का था तो वो फाइव मिनट्स में हो गया ये तैयार हो गया मैं इनको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करूंगी और दूध डाल के इसमें ये मैंने दो लीटर दूध के लिए ये हाफ के जी कैरट्स और यहाँ पे राइस लिए हैं दो किलो दूध के साथ मैं इसको बिल्कुल लो हीट पे पकने रख दूँगी दो से तीन घंटे लगते हैं इसको मैं बहुत ही लो फ्लेम पे पकाती हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है ना सारा और बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल सॉफ़्ट खीर की फॉर्म में आ जाए और ये बहुत ही मज़े का बनता है तो खैर इसको मैं अब लो हीट पे पकने के लिए यहाँ पे रख दूंगी दूध डाल के इसको दो लीटर दूध लिया है मैंने हाफ के जी कैरेट्स लिए हैं और हाफ कप इसमें राइस के ऐड किए हैं आप इसको जितना लो हीट पे पकाएंगे जितनी देर तक पकाएंगे इसका जो फ़्लेवर है इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा जो है भरपूर और मज़े का बनता है इसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया था और शुगर भी ऐड की थी अच्छा यहाँ पर जब आप इसको बॉयल होने रखेंगे दूध डाल के साथ में आप चार से पाँच इलायची के जो है उसको क्रश करके वो भी डालेंगे अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं अदरफ़ाइट पाँच से छः अलाइचियों को आप कूट के मोटा मोटा दरदरा कूट के वो डाल दें और इसको जो है हल्की ईट पर पकने रख दें और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तब आपने इसमें शुगर ऐड करनी है एक लीटर दूध में मैं हमेशा बताती हूँ दस टेबल स्पून शुगर के ऐड होते हैं मैंने यहाँ पर दस दो लीटर दूध लिया था और कैरेट्स के साथ बट मैंने जो है अभी दस टेबल स्पून ही शुगर की ऐड की हैं क्योंकि मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी कंडेंस मिल्क से इसका बहुत ही मज़े का जो है ना गाढ़ा और खोए टाइप का और उस तरह का फ्लेवर आता है तो मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालना प्रेफ़र करती हूँ तो मैंने यहाँ पे इसके अलावा हाफ टेन जो 375 सेवेंटी ग्राम्स का टेन मार्केट में मिलता है उसमें से हाफ टेन इसमें कंडेंस मिल्क का डाला था आप अपनी मर्जी से मीठा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं और बस डेट सेट ये पकेगा थोड़ी देर और जब ये गाढ़ा हो जाएगा मैं इसका स्टोव ऑफ करूँगी और मेरा यहाँ पे ये गजरेला भी एक रात पहले ठंडा रेडी हो जाएगा और मैं इसको डिश आउट करके फ्रिज में कूल डाउन होने के लिए रख दूंगी नेक्स्ट डे तक के लिए नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बनाई थी वो थी मटन की शनवारी शनवारी बनाने के लिए मैंने उसकी यखनी ऑलरेडी रात को ही प्रिपेयर करके रख दी थी ताकि नेक्स्ट डे मैं सिर्फ उसको जो है तड़का लगा लूँ या उसका मसाला प्रिपेयर करके और उसको जो है वो कुक कर लूँ ये पेशावरी मटन छनवारी टाइप जो है रेसिपी है और ये बहुत ही यमी बनती है और बहुत लेस स्पाइसेस के साथ बनती है मटन की छनवारी बनाने के लिए आपको जो है मिक्स बोटी मटन की हाफ़ के जी लेंगे मैं आपको क्वांटिटी जो है जो बता रही हूँ हाफ के जी के हिसाब से या कम बता रही हूँ मैंने थोड़ी कोंटिटी ज़्यादा बताई थी लेकिन मैं आपको इस वक्त क्वांटिटी उस हिसाब से, से बता रही हूँ जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हाफ़ के जी मटन की मिक्स बोटी ली है मैंने साथ में जिंजर को जो है बारीक बिल्कुल जो है ना कुंडी में आपने कूट लेना है और उसका अदर अदरक का जो पानी होगा वो हाफ़ कप पानी में आपने एड पा, पानी में ऐड करना है हाफ़ कप पानी या आपको जो रिक्वायर्ड हो जिसमें आपकी जो है ना मटन गल जाए ये कुकर में भी आप प्रोसेस कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको देखी पे हल्की हीट पे किया था ताकि यखनी का जो मटन का प्रॉपर जो टेस्ट है वो यखनी में आ जाए और प्रॉपर्ली गल जाए क्योंकि अक्सर जो है कुकर में जब आप इसको मटन को गलाते हैं तो वो इसकी बोटियाँ अलग अलग हो जाती हैं और बिल्कुल चूरा हो जाती है तो आई डोंट मॉन्ट दैट मुझे खड़ी खड़े मटन की यखनी वो बोटी चाहिए थी ताकि कढ़ाई जो है वो मज़ेदार और खिली खिली नज़र आए तो यहाँ पे मैंने इसकी यखनी बनने रख दूँगी लो हीट पे इस प्रोसेस को तकरीबन घंटा लगता है मटन को इस तरह लो हीट पे गलने में ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं इसीलिए मैंने इसको एक दिन पहले कर लिया था इसके अलावा मैंने बनाया था लाजानिया लाज़ानिया की भी डिशेज़ मैंने प्रिपेयर करके एक रात पहले रेडी करके रख दी थी नेक्स्ट डे फिर इनका सिर्फ बेकिंग का काम रह गया था लासानिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसका व्हाइट सॉस प्रिपेयर किया था वाइट सॉस प्रिपेयर करने के लिए आपको मक्खन चाहिए टू टेबल स्पून मैदा चाहिए ऑल पर्पज फ्लावर टू टेबल स्पून मिल्क चाहिए टू एंड हाफ कप सॉल्ट चाहिए हाफ़ टेबल स्पून और टू टेस्ट आ, वाइट पेपर पाउडर चाहिए आपको वन टी इसके अलावा गार्लिक पाउडर चाहिए आपको वन टी अगर आपके पास घर पर क्रीम चीज़ अवेलेबल है तो आप थोड़ा सा इसमें तकरीबन दो से तीन चम्मच वो भी डाल सकते हैं उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसके अलावा अगर आपके पास घर पे मशरूम्स हैं तो आप इस स्टेज पे जब आप मैदा भून रहे हैं मैदा भूनने से पहले इसमें मशरूम्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मशरूम्स नहीं है तो आप मशरूम स्किप कर सकते हैं मेरे पास भी अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं की और आपने हल्का सा जो है बटर में मक्खन को जो है वो सौते करना है और भूनना है ताकि जो मैदे की रॉ स्मेल है वो खत्म हो जाए अच्छी तरह भूनने के बाद आप इसमें दूध ऐड करेंगे दूध के साथ ही आप इसमें डाल देंगे आ, वाइट पेपर पाउडर गार्लिक पाउडर क्रीम चीज़ का जो आपके पास जार होता है या क्रीम चीज़ की क्यूब्स आती हैं अगर वो घर पे अवेलेबल हैं तो वो आप डाल देंगे इन तमाम चीज़ों के साथ इसको जो है बिल्कुल आपने आप चमच घुमाते रहना है इसमें अगर आप चमच को रोक देंगे घुमाना तो इसमें जो है ना क्रम्स बन जाएंगे लम्स बन जाएंगे जो कि गुठलियाँ जिसको कहते हैं मैदे की वो बन जाएंगी अगर इन केस अगर आपके साथ ये पार्ट हो जाता है कि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं मैदे में तो आप इसको ब्लेंडर में थोड़ा सा कूल डाउन होने दें और उसके बाद ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें तो ये आ, अच्छे से जो है ना मिक्सचर इसका रेडी हो जाएगा और एंड में आपने वाइट सॉस में क्रीम डालनी है टू जो एक पैकेट आता है टाटा पैक का वो आपने इसमें ऐड करना है यहाँ पे यखनी आप देख रहे हैं कि इसमें एक बॉयल आ गया था जितनी देर में मैंने वाइट सॉस बनाया तो इसके ऊपर जो ये झाकसी आ जाती है इसको मैंने सारा रिमूव कर दिया है और बिल्कुल लो हिट करके अब इसको मैं पकने दूंगी एक से दो घंटे के लिए अच्छा ये इस वीडियो का पार्ट वन है इसका पार्ट टू मैं आप और बाकी चीज़ें मैं आपके आपसे इसकी जो है दावत की नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इन अभी जो है ये मैंने ओवरनाइट जो चीज़ें प्रिपेयर पे की थी वो मैंने आपके साथ वो सारी शेयर करूँगी और नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी बिरयानी उसके अलावा उसके अलावा सी वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट टू में शेयर करूँगी अभी के लिए यहाँ पर लाजानिया और कोफ्तों की जो ग्रेवी है वो रेसिपी मैं आपसे आगे शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे वाइट सॉस में मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं और इनको मैं मिक्स करूँगी और मेरा वाइट सॉस यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा इसके बाद आप इसकी फ़िलिंग तैयार करेंगे फिलिंग तैयार करने के लिए आपको चिकन चाहिए होगा अच्छा जब भी आप इस किस्म की वीडियोस में वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं आप बस प्रोसेस फॉलो करा करें और अगर आपको कोई चीज़ मिस हो रही हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इनकी तमाम इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी ले सकते हैं क्योंकि वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो जब चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं कुकिंग वीडियोज़ में ना और नॉर्मल भी वी में अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं तो खैर यहाँ पे ये वाइट सॉस प्रिपेयर हो गया अब मैं इसकी चिकन की फिलिंग तैयार करने लगी हूँ चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए आपको ऑयल लेने हैं टू टू थ्री टेबल स्पून और उसके बा, बा, उसमें जो है मैं डालूंगी क्रश्ड गार्लिक पेन में मैं ऑयल डालूँगी और साथ में इसमें क्रश जो है चॉप्ड जो है गार्लिक डाल लूँगी और सौते करूँगी एक से दो मिनट के लिए उसके बाद मैं इसमें चिकन के बिल्कुल जो है बाइट साइज़ पीसीज़ जो है चॉप किए हुए कट किए हुए पो डालूँगी और इतना उसको फ्राई करूंगी कि जो है चिकन का कलर थोड़ा सा स्लाइटली वाइट और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसकी जो रॉ स्मेल होती है चिकन की वो खत्म हो जाए अगर आप चिकन को इस स्टेज पर प्रॉपरली उसका कलर चेंज होने तक कुक नहीं करेंगे और फ्राई नहीं करेंगे तो चिकन की जो है ना वो स्मेल कच्चेपन की और चिकन की अजीब सी स्मेल आती है तो इसको आपने इस स्टेज पे अच्छी तरह हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है अंटिल के चिकन का कलर चेंज हो जाए जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा और इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा मैं इसमें ऐड करूँगी सॉसेज इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस टू टेबल स्पून आपने सोया सॉस डालना है टू टेबल स्पून भूसाय सॉस डालना है चिली सॉस डालना है आपने इसमें टू टू टेबल स्पून चिली सॉस की क्वान्टिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी तो उससे भी जो है इसमें स्पाइस ऐड होते हैं और एंड में मैं इसमें चॉप्ट हरी मिर्ची भी डालूँगी तो इसमें अच्छा चिकन जो है आपका थोड़ा टेंगी और थोड़ा स्पाइसी टाइप बनता है तो उस तरह का फ्लेवर होता है इसका सॉसेस के अलावा इसमें जो है आ, स्पाइसेस में आपके साथ जाएगा सॉल्ट जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालना है क्योंकि सोया सॉस में वोस्टर शायद सॉस में आपके ऑलरेडी जो है सॉल्ट ऐड हो तो आपने सॉसेस डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ़्लेवर आप इसका टेस्ट कर लें कि आपको नमक की ज़रूरत है भी कि नहीं क्योंकि कम कुछ लोग कम नमक खाते हैं तो अकॉर्डिंगली आपने इसमें नमक एडजस्ट कर लेना है उसके अलावा अगर आपके पास घर पे पेपरिका पाउडर अवेलेबल है या ऑप्शनल है आप डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अगर नहीं अवेलेबल तो आप इसको पेपरिका पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं क्रश रेड पेपर जाएंगी इसमें वन टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा इसमें वन टी स्पून इसके अलावा औरगानो जाएगा और जो है हरी मिर्चें चॉप बिल्कुल बारीक बिल्कुल बारीक चॉप आपने करके इसके बिल्कुल एंड में जब ये चिकन रेडी हो जाएगा आपने औरिगानों और हरी मिर्चें उस स्टेज पर ऐड करनी है और इसको बिल्कुल कवर कर लेट लगा के जो है रूम टेम्परेचर पे आने तक फोर टू फो तो फाइव मिनट्स के लिए छोड़ देना ताकि जो हरी मिर्चों का और औरिगानों का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा सा इसके अंदर आ जाए और उसके बाद हम इसकी लाजानिया की शीट्स को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस बॉयल करेंगे और इसकी असम्बली की तरफ आ जाएंगे अच्छा मैं थोड़ी सी टिप्स और जो है थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगी जब भी आप कोई दावत प्लान कर रहे हो डिनर प्लान कर रहे हो तो आप उसको कैसे बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं और अपने जो गेस्ट हैं ताकि वो भी आपकी सारी चीज़ें एंजॉय करें सबसे पहले तो है आपको ये देखना है कि आप कितने बंदों को इन्वाट कर रहे हैं हाउ मेनी पीपल यू आर इन्वाइटिंग तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपना मेन्यू प्लान करें अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो देन गो फॉर द आइटम्स जिन पे जो है आपका हाथ ऑलरेडी बैठा हुआ है और जो आप रूटीन में बनाते हैं और उसमें आपको लगता है कि कोई भी कमी बेशी नहीं होगी लाइक बिरयानी कौरमा हलीम देसी दावत में इस किस्म के जो है चीज़ें आइटम्स ज़्यादा खाए जाते हैं कबाब हो गए या बारबिक्यू हो गया और अगर आप कम लोग बना रहे हैं दो बुला रहे हैं दो से तीन तो आप फिर आप फूड के साथ कोई एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं लाइक आप कोई नई आइटम ट्राई करके दे ट्राई कर सकते हैं उसमें रिस्क रिस्क फैक्टर जो है थोड़ा कम होता है नेक्स्ट आ जाता है एज एज फैक्टर अब एज पे डिपेंड करता है कि आप एजिड लोगों को बना बुला रहे हैं कि किस किस्म की दावत प्लान कर रहे हैं उसमें बच्चे ज़्यादा हैं या बड़े ज़्यादा हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर अपना मेन्यू प्लान करते हैं अगर बच्चों के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं तो आप जो है माइल्ड स्पाइसिस के साथ जो है वो डिशेज़ बनाना प्रेफर करेंगे फ़ॉर इंस्टेंस पास्ता हो गया नूडल्स हो गए फ़्राइज़ हो गए पिज्ज़ा हो गए चिल्ड्रन जो बच्चे जो हैं इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं इसी तरह अगर आप बड़े ऐज के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो देन दे प्रेफर ट्रेडिशनल जो है पुलाव बिरयानी बीफ स्ट्यू और रेशमी कबाब हांडी और मखन मखनी हांडी इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो प्रेफ़र करते हैं खाना तो डिपेंड कि आपका एज ग्रुप क्या है किस एज के लोगों को आप बुला रहे हैं अगर मिक्स मतलब गैदरिंग है बच्चे भी हैं बड़े भी हैं तो फिर आप दोनों चीज़ों का मिक्सचर बना सकते हैं लाइक मेरे अभी दावत में बच्चे भी थे बड़े भी थे तो मैंने लाजानिया स्पेशली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो है मेन्यू में एड किया था सेकेंडली इसमें मेन्यू में मटन कढ़ाई भी थी वो भी लसपाइसी थी ताकि बच्चे जो है आराम से खा सकें इसके अलावा आप जिन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आपकी कोई डाइट की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है ऐसी चीज़ तो नहीं लेते जो जिससे आपको फूड जिससे एलर्जी होती हो लाइक फॉर इंस्टेंस किसी को बीफ से या मटन से एलर्जी हो जाती है कुछ को वेजिटेरियन जो है वेजिटे वेजिटेबल से कुछ सर्टन वेजिटेबल से एलर्जी होती है कुछ को मिल्क से एलर्जी होती है तो फिर आप वो चीज़ें अवॉइड करें बनाना क्योंकि आप जिनको इन्वाइट कर रहे हैं अगर वो खाएंगे नहीं तो फ़ायदा क्या आपके इतनी मेहनत करने का अगर मजोरिटी ऑफ uh, जो पीपल हैं मजोरिटी ऑफ लोग आपकी दावत में जो आ रहे हैं सारी चीज़ें खाते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक दो के साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस है और तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं लाइक अगर मीट uh, एलर्जी है तो आप उसकी जगह वेजिटेबल uh, की कोई डिश ऐड कर एड कर सकते हैं लाइक पालक पालक पनीर हो गया मिक्स वेजिटेबल हो गई और अगर किसी को शुगर है तो आप शुगर फ्री खीर बना सकते हैं या इस किस्म का कोई मीठा ऐड कर सकते हैं और अगर किसी को मीट और चिकन दोनों से एलर्जी है तो फिर आप सी फूड की डिश जो है अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जब आप दावत प्लान कर रहे हैं। तो एक सक्सेसफुल डिनर के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूर माइंड में होनी चाहिए जब भी आप दावत प्लान करें नंबर फोर आ जाती है कि आप किस किस्म को लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि रोटी सालन वाले लोग हैं और कॉन्टीनेंटल डिशेस खाने वाले लोग हैं इस किस्म के कि, और वेजिटेबल प्रेफर करते हैं या मीट प्रेफर करते हैं मतलब अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं तो आ, आप कुछ फूड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लाइक चिकन पॉट पाई बना सकते हैं पाइन की कोई डेजर्ट बना सकते हैं इस किस्म का को कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बट इफ़ यू आर इनवाइटिंग पीपल लाइक जिनको मटन पलाव चाहिए बीफ पलाव चाहिए जो देसी टाइप लोग हैं उनको देसी फिर डेजर्ट भी चाहिए होता है लाइक like शाही टुकड़े आप बना सकते हैं सूजी का हलवा बना सकते हैं सो टोटली डिपेंड्स कि आपने किस किस्म के लोगों को इन्वाइट किया जो मिक्स खा सकते हैं या सिर्फ देसी खाने के शौकीन हैं या कुछ चाइनीज़ खाने के शौकीन हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मेन्यू प्लान uh, करें ओके नेक्स्ट आ जाती है सिक्स जो आपको टिप मैं दूंगी वो है बजट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई दावत प्लान कर रहे होते हैं अब डिपेंड आपने लैविश किस्म की पार्टी अरेंज uh, करनी है या नॉर्मल सी पार्टी अरेंज करनी है इफ यू आर गोइंग टू थ्रो अ लैविश पार्टी आपको जो है फिर अपने जो इसको मंथली बजट बज़े, से सेपरेट रखें और उसके लिए अलग से ग्रॉसरी करें ताकि जो आपका मंथली बजट है वो जो है डिस्टर्ब ना हो <coughs> और कोशिश करें कि जो भी चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं उनसे जो है अपना मेन्यू प्लान करें और जो है बैलेंस मील पे जो है फोकस करें लाइक मीट के आइटम्स भी हों वेजिटेबल भी हो दाल भी हो बीन्स भी हो तो मिक्स मिक्सचर ऑफ जो है फूड हो ताकि आपका बजट भी डिस्टर्ब ना हो और आपका जो है दावत भी लावश किस्म की हो जाए इसके अलावा आप मेन्यू जब प्लान कर रहे हैं दावत का तो आप उसमें जो है एक स्टार्टर ज़रूर रखें स्टार्टर में आप टिपिकली पाकिस्तानी आ, जो दावत होती है उसमें रेयरली जो है कभी एपेटाइजर जो है उसको सर्व किया जाता है बट अगर आप नट्स रख देंगे क्रिस्प रख देंगे फॉर योर गेस्ट दैट विल बी अ स्टार्टर बट इसके अलावा आप स्टार्टर में ऐड कर सकते हैं स्प्रिंग रोल ऐड कर सकते हैं पेरी बाइट्स ऐड कर सकते हैं और पानी पूरी ऐड कर सकते हैं दही भले मतलब देसी ऑप्शंस में इस तरह के बहुत सारी वैरायटी है जो कि एज आ स्टार्टर आप सर्व कर सकते हैं फिर एक मीट की ग्रेवी सालन ज़रूर रखें विद रोटी जो कि रोटी के साथ खाया जाए या नान के साथ खाया जाए फिर आ, नेक्स्ट आप देसी जब दावत प्लान कर रहे हैं मेन्यू बना रहे हैं तो आप उसमें ड्राई मीट की एक डिश रख सकते हैं दैट कैन भी हुआ सालन भी हो सकता है और उसके अलावा बाबी का कोई आइटम्स हो सकता है या फिश ग्रिल्ड फिश हो सकती है इस किस्म की कोई एक आइटम हो सकता है फिर एक चावलों की डिश जो कि पाकिस्तानी दावत का और देसी दावत का मेन जो है आइटम होता है जिसमें बयानी हो सकती है पुलाव हो सकता है वेजिटेबल पुलाव हो सकता है वेजिटेबल राइस हो सकते हैं तो इस किस्म की कोई एक डिश ज़रूर आप अपने मेन्यू में ऐड करें फिर एक वेजिटेरियन डिश दैट कैन बी दाल हो सकती है सब्जी हो सकती है समथिंग uh, लाइट uh, uh, जो है कॉम्प्लीमेंट करे मीट uh, के मेन मेन्यू को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करे इस किस्म की कोई चीज़ आपने ज़रूर एक देसी दावत के मेन्यू में ऐड करनी है साइड्स में आप रायता चटनियाँ सैलड uh, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं डेजर्ट जो है वो देसी और कॉन्टीनेंटल आप घर पे बना हुआ हो सकता है या आप ऑलरेडी एक रात पहले जैसे कि मैंने बना के रखा है इस तरह से कोई शिर खुरमा वगैरह या कोई भी चीज़ जो कि आपको लगे कि आपके गेस्ट को बहुत पसंद आएगा वो बना सकते हैं मिठाई भी बना सकते हैं ड्रिंक्स आ, आप मिंट मार्गरेटा सर्व कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक सर्व कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स मैंने दो तीन ड्रिंक्स की रेसिपीज अपने चैनल पे शेयर की हुई है मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप वहाँ से ले सकते हैं और चाय के सॉरी चाय के बाद नहीं दावत के बाद आप चाय कॉफ़ी या ग्रीन टी जरूर सर्व करें क्योंकि आजकल ठंड है सर्दियाँ हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल चलती हैं और आप अपने गेस्ट से पूछ लें उन्होंने चाय पीनी है कॉफ़ी पीनी है या ग्रीन टी लेनी है डिपेंड्स कि आपके गेस्ट को क्या पसंद है तो ये थी कुछ टिप्स जो कि आप एक बाउ डिनर करने के लिए और ज़बरदस्त किस्म की देसी दावत करने के लिए फॉलो करें तो आपका डिनर जो है बहुत ही सक्सेसफुल होगा और आपके सब गेस्ट भी खुश होकर वापस जाएंगे तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अनियन लिया है उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्रेंड कर लिया है एक पैन में आपने ऑयल डालना है और उसमें ग्राइंड की हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज डालनी है उसके साथ उसको हल्का सा आपने भूनना है प्याज का हल्का सा जब कलर चेंज हो जाए स्लाइटली चेंज हो जाए तो आपने इसमें जो है कोफ्ते ऑलरेडी जो मैंने बना के रखे हुए थे वो डाले हैं इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी उसके बाद मैं इसमें बाकी के इंग्रीडियंट्स ऐड करूँगी बाकी इन्ग्रीडियंट्स में आपका जाएगा लहसन अदरक का पेस्ट वन टेबल स्पून टमाटर जाएंगे ग्राइंड किए हुए टू दो मीडियम साइज़ के हल्दी जाएगी वन सॉरी हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें ज़ीरा पाउडर क्यूमन पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून गर्म मसाला हाफ टी टी स्पून जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है अगर आपके पास अवेलेबल है तो वन टी स्पून आप इसमें डाल देंगे अदर अगर नहीं है तो यू कैन स्किप इट इसके अलावा कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर जाएगा वन टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा और हरी मिर्चें ये भी ऑप्शनल है मैंने नहीं डाली थी आप डालना चाहें तो इसमें बिल्कुल बारीक चॉप की भी हा हरी मिर्चों का जो है पेस्ट हाफ़ टी टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आएगा इस इन तमाम चीज़ों को आप डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा लो हीट पे जो है चार से पाँच मिनट तक के लिए पकने रख देंगे जब तक कि इसका ग्रेवी का ऑयल ऊपर ना आ जाए जब इसका ग्रेवी अपना ऑयल छोड़ दे सेपरेट हो जाए तो आप इसमें पानी डालेंगे टू एंड हाफ़ कप और इसको बारह से पंद्रह मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर ताकि जो है आपके कोफ्ते हैं वो प्रॉपरली गल जाएँ और मजे की आपका जो है ग्रेवी का सालन जो है कोफ्तों का सालन तैयार हो जाए ये कोफ्ते अंडे बनाए थे मैंने इसमें जब ये रेडी हो जाएंगे और जब मैं सर्व करने लगूंगी एग मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे में उस स्टेज पर मैं बिल्कुल एंड में जब सर्विंग का टाइम होगा तो मैं इसमें अंडे ऐड करूंगी बॉईल किए हुए एग्स मैंने इसमें ऐड किए थे आपने अगर बॉयल्ड एग नहीं ऐड करने तो आप इसको सिर्फ़ कोफ्तों को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं मैंने इनको अंडे और कोफ्ते बना के सर्व किए थे तो ये थी मेरी वाऊ दावत का पार्ट वन मैं इसका पार्ट टू आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें इंजॉय करें मेरा ये दावत मेन्यू और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार दावत मेन्यू के पार्ट टू के साथ क्या क्या चीज़ें उसमें वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगी इंशाल्लाह, सो टेक केयर अंटिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह